Hello students, stable and unstable equilibrium video number 6, welcome all of you. Stable and unstable equilibrium का एक हिस्सा खत्म हो चुका है 5 videos में. अभी देखो क्या है जो हिस्सा बाकी है, उसमें एक theorem है उस पर based numericals हैं, दूसरा theorem है उस पर based examples हैं, तीसरा थ्योरम है उस पर बेस्ड एग्जांपल्स है, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, ठीक है ना. तो अब ये पहला खंड है, थ्योरम नंबर 1 हमने इसको डाला हुआ है. यही थ्योरम नंबर 1 है जो आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर, और फिर इसको हम प्रूव करेंगे आज अभी इस वीडियो में. इसके बाद फिर इस थ्योरम पर बेस्ड एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे. जो भी एग्जांपल्स होंगे सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ध्यान से पढ़ लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए. फिगर भी हमने बना दिया है, एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़िए, फिगर देखते चलिए, तीसरी बार फिर फिगर रफ पे ड्रा करने की कोशिश करिए, चौथी बार जा करके फाइनल होता है. स्टैटिक्स है भैया, बहुत संभाल के आइए पढ़ें. अ बॉडी रेस्ट्स इन इक्विलिब्रियम अपॉन अनदर फिक्स्ड बॉडी. ठीक, अ बॉडी रेस्ट्स इन इक्विलिब्रियम अपॉन अनदर फिक्स्ड बॉडी. एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर संतुलन की अवस्था में है. द पोर्शंस ऑफ द टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट बीइंग स्फीयर्स ऑफ द रेडियाई स्मॉल आर एंड कैपिटल आर रेस्पेक्टिवली. जो बॉडी नीचे है और उसके ऊपर एक बॉडी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, दोनों बॉडी पूरी की पूरी स्फीयर्स नहीं है. दोनों बॉडी के वो हिस्से जो कॉन्टेक्ट में है वो स्फेरिकल पोर्शंस हैं, और वो जिन स्फेयर्स के पोर्शंस हैं, माना कि उनके रेडियाई स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, यानी ऊपर वाली बॉडी के स्फेरिकल पोर्शन का रेडियस स्मॉल आर, नीचे वाली बॉडी के स्फेरिकल पोर्शन का रेडियस कैपिटल आर है. एंड द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द स्फेयर्स बीइंग वर्टिकल. दोनों बॉडीज का जो स्फेरिकल पोर्शन है उन स्फेयर्स के सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन वर्टिकल होनी चाहिए. और क्या लिखा हुआ है, द बॉडीज बीइंग रफ एनफ टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, यानी बॉडी दोनों के दोनों बॉडी इतने खुरदुरे हैं, रफ हैं कि सरक नहीं सकता है. जो बॉडी किसी बॉडी के ऊपर है वो सरकेगा नहीं, रोल कर सकता है, रोलिंग होगी, स्लाइडिंग नहीं होगी. नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल अकॉर्डिंग एज 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/R और 1/h लेस देन आर इक्वल टू 1/r प्लस 1/R, वेयर h इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अपर बॉडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. अब दोबारा हम फिर इसको पढ़ रहे हैं, फिगर से कनेक्ट करके पढ़ेंगे. अ बॉडी रेस्ट्स इन इक्विलिब्रियम अपॉन अनदर फिक्स्ड बॉडी. तो अभी आप यूं समझिए, एक बॉडी है, ये बॉडी पूरा का पूरा स्फीयर नहीं है, लेकिन इसका इतना हिस्सा जो ऊपर वाला है ये स्फेरिकल है. अब इसके ऊपर एक बॉडी हमने लिया स्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल. मान लीजिए ये बॉडी ऐसी है. अब कैसे बनाए फिगर, हमारे पास कुछ खास है नहीं, ये ऐसे समझ लीजिए. तो आप इस पोर्शन को स्फेरिकल ही मान के चलिएगा, स्फेयर मान लो, स्फेयर है, हेमिस्फेयर इसे इसके ऊपर. तो न तो नीचे की पूरी स्फेयर है, न तो ऊपर की पूरी स्फेयर है. इन दोनों बॉडीज के जो हिस्से संपर्क में है वो पोर्शन स्फेरिकल है. इसका ये पोर्शन स्फेरिकल है, इसका ये पोर्शन स्फेरिकल है, और उन स्फेयर्स के रेडियाई दिए हुए हैं. ऊपर वाले स्फेरिकल पोर्शन का जो रेडियस है, जिस स्फेयर का ये पोर्शन है उस स्फेयर का रेडियस स्मॉल आर है. नीचे वाली बॉडी का ये जो स्फेरिकल पोर्शन है, जिस स्फेयर का पोर्शन है उस स्फेयर का रेडियस कैपिटल आर है. तो ये कैपिटल आर हो गया, इसका जो सेंटर ये है और इस ऊपर वाले का सेंटर ये है, दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन वर्टिकल है. And the straight line joining the centers of the two bodies of the spheres being vertical. यहाँ तक हो गया. फिर कहना the bodies being rough enough
टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी है, इनका जो स्फेरिकल पोर्शन है वो इतना रफ है कि सरक नहीं सकता बॉडी, बॉडी उस पर सरकेगा नहीं। हाँ हाँ, ऐसे लुढ़क सकता है, यूं ये लुढ़कन रोलिंग हो सकती है, स्लाइडिंग नहीं होगी। द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल एंड अनस्टेबल अकॉर्डिंग एज दिस और दिस, वेयर एच इज द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अपर बॉडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सी वन इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अपर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जीवन है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जीवन का जो हाइट है वो स्मॉल एच है। अब स्मॉल एच इसमें हम लिखना नहीं चाह रहे थे कि बड़ा गंदा फिगर हो जाएगा, कहीं बाहर लिख दें। ये जीवन है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और ये स्मॉल एच है, यहां से आता है ऐसा, ठीक। तो फिगर के अगल बगल में कुछ इस तरीके का डिस्क्रिप्शन लिख दिया जाए। ओ वन सी वन इक्वल टू स्मॉल आर, सी वन ओ इक्वल टू कैपिटल आर। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अपर बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जीवन की ऊंचाई हाइट, यानी जीवन सीवन इक्वल टू स्मॉल एच, ठीक, ये हमने लिख दिया। इसके बाद अब देखिए, ये जो अपर बॉडी है ये ऐसे रोल किया, जैसे कि ये चीज है ऐसे रखा हुआ है, नीचे ये लाल वाला आप हेमिस्फेरिकल बॉडी है, ये इस पर सरक नहीं रहा, ये इस पर ऐसे रोल किया ये, तो जब ये रोल किया ऐसे तो इस पोजीशन पे आ गया। ये जो सीवन था, जैसे कि इस हिस्से को ऐसे रोल करोगे तो ये सीवन उठ के इधर आ जाएगा ना, तो माना सीवन आ गया सी टू पे, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अब नया हो जाएगा, पहले जो सीवन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था अब सीवन डेस हो गया, और ये जीवन का पोजीशन, जीवन का पोजीशन भी तो भटेगा ना, जैसे कि रोल करोगे तो सीवन यहां आ जाएगा, अब जीवन सीवन वाली लाइन जो है ऐसे हो जाएगी, तो माना कि वो जी टू सी टू हो गई, ये जी टू सी टू हो गई। ओ वन का नया पोजीशन ओ टू हो गया, उसके बाद इस पे हमने परपेंडिकुलर खींच दिया, यहां से परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन जो वर्टिकल थी रोलिंग के बाद, अब सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन ऐसी हो गई जो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, वर्टिकल के साथ वही एंगल बन रहा है, और इस एंगल को हमने फाई मान लिया है। तो अभी हम लैंग्वेज लिखेंगे, उस सोल्यूशन का लैंग्वेज लिखेंगे, फिर उस लैंग्वेज को भी पढ़ते जाइएगा और इसको फिगर को भी देखते जाइएगा। भारी है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो अब हम ये लिखा हुआ पोर्शन मिटाएंगे और इसी पे प्रूफ लिखेंगे इस थ्योरम का। थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन कम पूछा जाता है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं विषय से जुड़ने के लिए। कभी कभी प्रूफ पढ़ने से मैकेनिज्म समझ में ज्यादा आता है, सब्जेक्ट समझ में आता है, तो वो कभी कभी जरूरी हो जाता है। प्रूफ, लेट द अपर बॉडी बी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, लेट द अपर बॉडी बी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाय प्योर रोलिंग। प्योर वर्ड इसलिए लिख रहा है कि केवल रोल करना है, बाय प्योर रोलिंग, स्लाइड नहीं करना है। स्लाइड माने फिसलना, और रोल करना माने लुढ़कना, जैसे ये है तो देखो ये रोल कर रहा है ऐसे, ये रोलिंग है, ये रोलिंग है, और ये स्लिपिंग, प्योर रोलिंग, आर ओ डबल एल आई एन जी, प्योर रोलिंग ओवर द लोअर बॉडी, ओवर द लोअर बॉडी।
वही जो आपको हम समझा रहे थे कि ये हिस्सा ऐसे लुढ़क करके अब ऐसा हो गया। माना C1 की स्थिति C2 हो गई, G1 की स्थिति G2 हो गई, O1 की स्थिति O2 हो गई। लेट O2 G2 C2 बी द न्यू पोजिशंस ऑफ O1 G1 C1 रेस्पेक्टिवली। और फिर कह दे रहे कि माना C1 डैश नया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, लेट C1 डैश बी द न्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, लेट C1 डैश बी द न्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक, यहां पर एक बात बहुत ही आपको बारीकी से समझनी है, अगर एक बार में ना समझ में आए तो मेरी बात को बार बार रिवाइंड करके सुनिए और उसको बार बार गुनिए मन में। देखो, जब ये हिस्सा ऐसे रोल किया था, ऐसे 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 रोलिंग किया था, तो नया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये हो गया, यानी ऐसे रोल करते समय ये C1 उठ करके आ गया C2 पे और एक नया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। ठीक है ना, तो अब इस लाल वाले कर्व पे ही रोल किया है ये हरा वाला कर्व, तो ऐसे रोल करके जब यहां तक आया है तो ये C1 उठ करके ऊपर चला गया, C2 पे आ गया। तो ये जो आर्क लेंथ है C2 C1 डैश, हालांकि फिगर में देखने से नहीं लग रहा ऐसा, क्योंकि इसे हम थोड़ा ज्यादा बना दिए ना, थोड़ा कम है, इसी कारण से फिगर में दोष आ गया है, लेकिन चूंकि हम लोग उसको लिख दिया जाएगा कि इस आर्क पे ही तो लुढ़का है ना हरा वाला आर्क, तो C1 C1 डैश बराबर होगा C2 C1 डैश। थोड़ा इस लाइन को हमें और ऊपर बनाना चाहिए था, और अब हम फिगर बहुत नहीं छेड़ेंगे, गंदा हो जाएगा, समझ रहे ना। थ्योरेटिकली इस बात को समझ लो कि जब ये हरा वाला कर्व इस वाले पर ऐसे लुढ़का है ऐसे, तो C1 C2 हो गया है और नया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C1 आ गया है, तो C2 C1 डैश बराबर होगा, इतने तो लुढ़केगा रे भैया, इतने तो लुढ़केगा, तो यही हम लिखने जा रहे हैं। थोड़ा सा फिगर बनाते समय हम ध्यान नहीं दिए, ये थीटा अगर हम कम बनाते और इस लाइन को थोड़ा और ऊपर लेते तो फिगर बिल्कुल सही आता, देखने में भी आर्क C1 C1 डैश आर्क C2 C2 डैश के बराबर ही लगता। अब अगर हम इसको उठाएंगे तो सब फिगर हमारा खराब हो जाएगा, फिगर हमारा खराब नहीं हो जाएगा, हमारे द्वारा बनाया गया फिगर खराब हो जाएगा, तो ये मैं लिखने जा रहा हूँ। सिंस द अपर बॉडी रोल्स ऑन द लोअर बॉडी, सिंस द अपर बॉडी रोल्स ऑन द लोअर बॉडी विदाउट स्लाइडिंग, सरक नहीं रहा बिल्कुल भी नहीं, ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखा था, विदाउट स्लाइडिंग, देयरफोर आर्क C1 C1 डैश इज इक्वल टू आर्क C2 C1 डैश, ये रहा आर्क C1 C1 डैश इक्वल टू आर्क C2 C1 डैश। अब आइए इस सर्किल में आर्क C1 C1 डैश बराबर होगा ये रेडियस इंटू थीटा, दैट इज कैपिटल आर इंटू थीटा बराबर। अब इस वाले आर्क की बात कर लें, ये आर्क बराबर होगा ये वाला रेडियस इंटू ये एंगल, ये रेडियस माने इसका रेडियस माने स्मॉल आर इंटू फाई, ये एक रिजल्ट हमारे सामने आया
कैपिटल आर इंटू थीटा इक्वल टू स्मॉल आर इंटू फाई। अब वही जो हम पुरानी बात चल रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेस्ट, सीजी टेस्ट। लेट जेड बी द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द न्यू पोजिशन एबव द फिक्स्ड हॉरिजेंटल लाइन OX, देन Z को कैलकुलेट करिए और वही पुरानी बात मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करिए। Z मैक्सिमम पोजीशन में होगा तो अनस्टेबिलिटी होगी इक्विलिब्रियम में, Z मिनिमम पोजीशन पे होगा तो स्टेबिलिटी होगी। देन G2 capital M, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इस लाइन से ऊंचाई, G2 capital M। अभी G2 capital M को दो हिस्सों में हम लोग तोड़ दें, O2N minus O2N dash, यही तो होगा ना G2N G2M। चाहे तो एक स्टेप बढ़ा लो, G2M को पहले लिख लो N dash N equals to N dash N। अब इसको दो हिस्सों में तोड़ लो, N dash N को O2N minus O2N dash, O2N minus O2N dash। अब O2N की वैल्यू OO2 cos theta समझ में आ रहा है, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल मालूम है थीटा, और O2N थीटा के बगल वाला साइड है, और O2 से लेके यहां तक ये हमको मालूम है। ये हमको मालूम है क्या? OO1 नहीं मालूम है तो लिखिए OO2 cos theta implies that Z equal to OO2 cos theta minus O2 G2 cos of theta plus phi। ये O2 N dash की वैल्यू है O2 N dash, ये वाला। ये कैसे निकलेगा भाई? O2 N dash थीटा प्लस फाई दिख रहा है आपको, जैसे ये एंगल थीटा है तो ये थीटा यही तो है, थोड़ा हम दूर लिख दिया ना, ये है तो यही है तो ये भैया, तो ये पूरा पूरा एंगल देखो हम यहां लिख दे रहे हैं, एंगल G2 O2 N dash इक्वल टू थीटा प्लस फाई। ये बड़ा एंगल होना चाहिए, तो वही हम कह रहे थे ना, थोड़ा इसको और ऊपर लिए होते तो एंगल बड़ा बनता, तो ये और ये जोड़ करोगे तो ये फाई हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा प्लस फाई, और O2 N dash बराबर होगा O2 G2 cos दिस एंगल थीटा प्लस फाई। अब OO2 बराबर क्या होगा, ध्यान से देखें, यहां OO2 बराबर होगा OO1 माने ये प्लस ये माने कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर cos थीटा माइनस O2 G2 कहाँ है भाई, O2 G2 बराबर होगा O1 G1। O1 G1 कितना बराबर होगा, यहां से यहां तक स्मॉल आर माइनस यहां से यहां तक स्मॉल एच, तो स्मॉल आर माइनस स्मॉल एच cos ऑफ थीटा प्लस फाई।
अब जेड में थीटा भी है फाई भी है तो टू वेरिएबल फंक्शन से नहीं काम चलेगा, एक वेरिएबल फंक्शन बनाना, यानी फाई को थीटा के रूप में यहां से हम ब्रेक कर दें, इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉस थीटा माइनस स्मॉल आर माइनस एच कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई की वैल्यू यहां से कैपिटल आर थीटा बाई स्मॉल आर, ये रहा, इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा माइनस स्मॉल आर माइनस एच और कॉस ऑफ आर प्लस कैपिटल आर इंटू थीटा अपॉन स्मॉल आर, यानी पूरे का ये कॉस है ना, देखो आर थीटा प्लस आर थीटा, आर थीटा प्लस आर थीटा बटे आर। तो z इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, z इज ए फंक्शन ऑफ थीटा बन गया, इसकी नंबरिंग कर दीजिए 1, और अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी जेड अपॉन डी थीटा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालिए, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राप्त करिए, इक्विलिब्रियम का नेचर प्राप्त करिए, यानी जो सीजी टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये उसी की मदद से थ्योरम डिजाइन किया गया है, एक रिजल्ट निकाला गया है, अब इस रिजल्ट पर बेस्ड हम लोग आगे चल के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। नाउ डी जेड अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट आर प्लस आर इंटू साइन थीटा प्लस आर माइनस एच साइन आर प्लस आर इंटू थीटा अपॉन स्मॉल आर और इंटू इंटू इस एंगल का, इस एंगल का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होगा ये हम कलर चेंज करके लिख दे रहे हैं ताकि ये अलग महसूस हो, ये होगा आर प्लस कैपिटल आर अपॉन आर, ऐसा ध्यान से देखते चलिए, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते चलिए। एक बार और डिफरेंशिएट करें एंड डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आर प्लस आर साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आर माइनस एच, इसको चाहो तो पहले लिख लो, इसको चाहो तो पहले लिख लो, चाहो तो बाद में सी रहने दो, साइन का हो जाएगा कॉस आर प्लस आर इंटू थीटा बाई आर इंटू इस एंगल का, फिर इतना ही आएगा ना तो उसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसको भी हम ब्लू कलर से लिख दे रहे हैं ताकि वो सेपरेटेड अलग अलग महसूस हो, आर प्लस कैपिटल आर अपॉन आर होल स्क्वायर, ये रहा। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डी जेड अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज दैट माइनस आर प्लस आर साइन थीटा प्लस आर माइनस एच इंटू आर प्लस कैपिटल आर, ये इसको इधर कर दे रहे हैं अपॉन आर साइन आर प्लस आर थीटा बाई आर इक्वल्स टू जीरो। इट इज ऑफ द फॉर्म, ये इक्वेशन कैसा है देखो, कांस्टेंट साइन थीटा प्लस एनदर कांस्टेंट साइन थीटा में किसी कांस्टेंट से गुणा है, इट इज ऑफ द फॉर्म ए साइन थीटा प्लस बी साइन के थीटा इक्वल्स टू जीरो, और इसका सोल्यूशन थीटा इक्वल टू जीरो होगा बस, और कोई सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि थीटा इक्वल टू जीरो इसको संतुष्ट कर लेगा, सेटिस्फाई कर लेगा,
साइन जीरो जीरो साइन जीरो जीरो. इट्स सोल्यूशन इज थीटा इक्वल्स टू जीरो. थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया कि ये यहां आ गया, स्लाइटली रोलिंग हुई है. इट्स सोल्यूशन इज थीटा इक्वल टू जीरो. अब थीटा इक्वल टू जीरो के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नेचर क्या होगा? डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू जीरो विल बी कॉस जीरो वन होता है तो जाएगा माइनस कैपिटल आर प्लस आर प्लस आर माइनस एच इंटू आर प्लस कैपिटल आर होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और थीटा जीरो रखोगे तो कॉस जीरो वन होता है तो ये आ गया. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आर प्लस आर अपॉन आर होल स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए इक्वल टू आर प्लस कैपिटल आर अपॉन आर होल स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचा? पहले इसको लिख ले रहा हूं पॉजिटिव टर्म को, आर माइनस एच बचा, फिर इसमें माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर हो जाएगा ना, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर. ओके ध्यान से देख लें, हाँ बिल्कुल ठीक है. फिर और इसको मिक्स करें, इक्वल्स टू आर प्लस कैपिटल आर अपॉन आर होल स्क्वायर ब्रैकेट, यहां आएगा नहीं नीचे लिखते हैं, इक्वल टू आर प्लस कैपिटल आर अपॉन आर होल स्क्वायर ब्रैकेट आर माइनस एच इंटू कैपिटल आर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर. ठीक, अब ऊपर लिखेंगे मिटा के. Implies that d square z upon d theta square at theta equal to 0 equal to r plus capital R upon r whole square into bracket r capital R plus r square mein cancel ho gaya minus h capital R minus h r अपॉन कैपिटल आर प्लस आर. ये कैसे आ गया, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? आर 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 स्क्वायर कैंसिल, एच कैपिटल आर फिर एच आर होगा ना, वही तो मैं सोच रहा हूं. अब सही है, बिल्कुल ठीक है. इक्वल्स टू आर प्लस कैपिटल आर अपॉन आर होल स्क्वायर इंटू आर कैपिटल आर माइनस एच ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर. हाँ, ऐसी सेटिंग हम करें कि हम बता सकें कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो बाहर तो हमने फैक्टर होल स्क्वायर का सेट कर दिया, वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा. अब वही अंदर वाले पे सारा दारुमदार है. इक्वल्स टू आर प्लस कैपिटल आर अपॉन आर होल स्क्वायर ब्रैकेट में आर कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर माइनस एच. ये आ गया. अच्छा, हमको ये थोड़ी बताना है कैपिटल, हमको तो कंडीशनल कंडीशन निकालनी है सब, हमें तो कंडीशन निकालनी है. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जेड का मिनिमम होना चाहिए. जेड मिनिमम तब होगा जब ये पॉजिटिव आए. क्लियरली
डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू जीरो इज पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग एज ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो। आर कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर माइनस या यहीं पे लिख दे रहा है ग्रेटर देन एच और लेस देन एच, ये जब बड़ा होगा इससे तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, ये जब छोटा होगा इससे तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा। अर्थात सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पॉजिटिव होना माने जेड का मिनिमम होना, जेड इज मिनिमम और मैक्सिमम अकॉर्डिंग एज। इसे अब चाहे तो उल्टा कर दें, चलो छह से लिखते हैं आर कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर ग्रेटर देन एच और लेस देन एच। इंप्लाइज दैट जेड इज मिनिमम और मैक्सिमम अकॉर्डिंग एज, इसी को उलट के लिखना चाह रहे हैं कैपिटल आर प्लस आर अपॉन आर कैपिटल आर लेस देन वन अपॉन एच और ग्रेटर देन वन अपॉन एच। इंप्लाइज दैट जेड इज मिनिमम माने हाइट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मिनिमम है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल अकॉर्डिंग एज यही। अब इसको ऐसे करके लिखो दिस अपॉन दिस तो क्या आ जाएगा वन बाई आर प्लस वन बाई कैपिटल आर लेस देन वन बाई एच और ग्रेटर देन वन बाई एच। तो स्टेटमेंट पढ़िए क्या हम लोग ठीक निकले। वन बाई एच के रूप में तो इसको इधर इसको उधर ऐसे पलट दो दैट इज अकॉर्डिंग एज वन बाई एच ग्रेटर देन वन बाई आर प्लस वन बाई कैपिटल आर और वन बाई एच लेस देन वन बाई आर प्लस वन बाई कैपिटल आर। तो एक रिजल्ट आ गया, अभी इस पे इक्वलिटी वाला नहीं आया है कि जब वन बाई एच इक्वल्स टू वन बाई आर प्लस वन बाई कैपिटल आर होगा तो क्या होगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू अभी हम मिटाएंगे नहीं। और हम इधर साइड में कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि इसी से हमारा कनेक्शन है जो हम कहने जा रहे हैं मिटा रहे हैं। भाई एक बार फिर से देख लो 2-3 मिनट आराम से फिर हम मिटा दें। थोड़ी साइज बढ़ रही है बढ़ने दो। हाँ वीडियो साइज बड़ा होगा जाहिर सी बात है स्टैटिक्स में ये सब दिक्कतें हैं ही और इनसे निजात नहीं पाया जा सकता है। कोई भी बात अगर इस पूरे थ्योरम के प्रूफ में कंसेप्ट में कम समझ में आए तो इसको 2-3 बार वीडियो को देखिएगा ध्यान से। एक ही एरर है यहाँ पे फिगर में एरर है जो हम आपको बता चुके हैं कि थीटा जो है थोड़ा ज़्यादा बन गया है और कम बनना चाहिए था है ना, क्योंकि ये जो दूरी है इसके बराबर होना चाहिए था जो देखने से फुहड़ लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा। अब यहाँ पर एक कंडीशन और था ना वन अपान एच इक्वल टू तो वो कंडीशन अब हम दूसरे कलर से लिख दें इसको कायदे से हेडिंग दिल के लिख रहे हैं व्हेन वन बाई एच इक्वल टू वन बाई आर प्लस वन बाई कैपिटल आर। इस केस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन दिस केस वन बाई एच इज इक्वल टू आर प्लस कैपिटल आर अपॉन आर कैपिटल आर दैट इज
एच इक्वल टू आर कैपिटल आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर, ऐसा हो जाएगा। और जब एच इसके बराबर हो जाएगा तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। एंड देन डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब मैक्सिमम मिनिमम में आपने पढ़ा हुआ, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी स्टेशनरी पॉइंट पर जीरो हो जाए तो हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। अब डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर जो था वो हम तो मिटा दिए हैं, लेकिन हम देख करके लिखेंगे, हमारे पास नोट सही है। नाउ डी क्यूब जेड अपॉन डी थीटा क्यूब इज इक्वल टू, कैपिटल आर प्लस आर इंटू साइन थीटा माइनस आर माइनस एच इंटू साइन आर प्लस कैपिटल आर इंटू थीटा बाई आर इंटू आर प्लस आर अपान आर होल क्यूब हो जाएगा। आर प्लस कैपिटल आर अपान आर होल क्यूब, थीटा बराबर जीरो पर ही चल रहा है सब। दिस इंप्लाइज दैट डी क्यूब जेड अपॉन डी थीटा क्यूब एट थीटा इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये भी साइन जीरो जीरो हो जाएगा, यहां भी साइन जीरो जीरो हो जाएगा। अगर डी क्यूब जेड अपॉन डी थीटा क्यूब किसी स्टेशनरी पॉइंट पर नॉन जीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि वो स्टेशनरी पॉइंट न तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है न तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। लेकिन अगर जीरो हो जाए तो क्या करते हैं, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो चलिए फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। नाउ डी टू द पावर फोर जेड अपॉन डी थीटा टू द पावर फोर, चौथा डेरिवेटिव फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस आर इंटू कॉस थीटा माइनस आर माइनस एच, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस आर प्लस कैपिटल आर इंटू थीटा अपॉन आर, और इस पर चार पावर हो जाएगा, उसको हम फिर नीले रंग से लिख दे रहे हैं। आर प्लस कैपिटल आर अपॉन आर होल टू दी पावर फोर, थीटा इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इंप्लाइज दैट डी टू दी पावर फोर जेड अपॉन डी थीटा टू दी पावर फोर एट थीटा इक्वल टू जीरो कॉस जीरो वन कॉस जीरो वन कैपिटल आर प्लस आर माइनस आर माइनस एच इंटू, इसको लिख दिया जाए आर प्लस कैपिटल आर अपॉन आर होल टू दी पावर फोर और कॉस जीरो वन। केस हम कौन सा लेके चल रहे हैं, केस हम ये लेके चल रहे हैं, यानी हम ये लेके चल रहे हैं, ये देखो आर प्लस आर अपान आर को हम क्या लिख दें, आर प्लस आर अपान आर, आर प्लस आर अपान आर हो जाएगा कैपिटल आर बाई एच, है ना, तो लिख दीजिए उसको, पहले तो उसको ऐसे लिखा जाए इक्वल्स टू आर प्लस आर कॉमन ले लिया ब्रैकेट में वन माइनस आर माइनस एच अपान आर। देखो इसमें से एक पावर जब हटा लोगे तो तीन पावर बचा, तो ऊपर हो गया तीन पावर नीचे हो गया चार पावर, तो उस चार पावर में से एक पावर यहां कर दिया, अब ऊपर नीचे तीन तीन पावर बचा, तो हम लिख दें आर प्लस कैपिटल आर अपान आर होल क्यू, ऐसा। फिगर मिटा दे रहे हैं, फिगर की कोई जरूरत नहीं, इस जगह का उपयोग कर लें। इक्वल्स टू आर प्लस आर इंटू बड़ा ब्रैकेट वन माइनस आर माइनस एच बाई आर की वैल्यू हम रखना चाह रहे हैं, कहां से रखा जाए,
आर माइनस एच बाई आर, वहीं से जाने तो इसे मौखिक नहीं रख पाएंगे ना, तो लिखित रखो। देखो ऐसे R माइनस एच, एच माने R R बटे R प्लस R, ये देखो R माइनस एच और अपान R, ऐसे लिखा इनटू ब्रैकेट क्यूब R प्लस कैपिटल R अपान R होल क्यूब। भारी है प्रूफ इसका, भारी है, इसीलिए एग्जाम में आता नहीं है, कम आता है, कम आता है, लेकिन इसको पढ़ने से थोड़ा सा हाथ साफ हो रहा है भाई, सब चीजों का पता तो चल रहा है। इम्प्लाइज दैट हम लोग निकाल रहे हैं डी टू दी पावर फोर जेड अपॉन डी थीटा टू दी पावर फोर एट थीटा इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू, आगे बढ़िए, आर प्लस आर इंटू बड़ा ब्रैकेट वन माइनस ये आर ये आर ये आर कैंसिल हो गया, बचा कितना इस ब्रैकेट में, क्या बचा वन माइनस है ना कैपिटल आर बाई आर प्लस आर, ये बचा, और इनटू आर प्लस कैपिटल आर अपॉन आर होल क्यूब, और आगे बढ़िए इक्वल्स टू आर प्लस आर ब्रैकेट वन माइनस, ये क्या बचा, ये यहाँ जाएगा कैपिटल आर कट जाएगा तो जाएगा आर अपान आर प्लस कैपिटल आर इंटू आर प्लस कैपिटल आर अपान आर होल क्यूब, ये इसी का उल्टा है ना, तो एक पावर और कम हो जाएगा, एक पावर और कम हो जाएगा, वाह भाई वाह, इक्वल्स टू आर प्लस आर वन माइनस आर प्लस आर अपान आर होल स्क्वायर, यहाँ तक आ गए बाबू। इक्वल्स टू आर प्लस आर इंटू वन माइनस ब्रैकेट वन माइनस कैपिटल आर बाई आर वन प्लस में होल स्क्वायर, ठीक है ना, देखो वन और आर बाई आर, तो खुद ही सोच लो ये निगेटिव है कि नहीं है भाई, वन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वन से ज्यादा, तो निश्चित रूप से ये निगेटिव है, तो फोर्थ ऑर्डर अगर निगेटिव आ गया तो इसका मतलब जेड मैक्सिमम होगा, जेड मैक्सिमम होगा, देयरफॉर जेड इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो एंड वन बाई एच इक्वल टू वन बाई आर प्लस वन बाई कैपिटल आर, दोनों चलेगा ना, दोनों चलेगा, वन बाई एच इक्वल टू वन बाई आर प्लस वन बाई कैपिटल आर, यही था ना, जरा एक बार देख ले, हाँ बिल्कुल यही था, तो जेड मैक्सिमम आ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम पोजीशन पे है तो अनस्टेबिलिटी होगी, दस द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल व्हेन वन अपॉन एच इज इक्वल टू वन बाई आर प्लस वन बाई कैपिटल आर, तो अनस्टेबिलिटी सेकेंड कंडीशन था, उसी में इक्वलिटी लाके जोड़ दो, फाइनली वी कंक्लूड दैट, फाइनली वी कंक्लूड दैट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल अकॉर्डिंग एज, अकॉर्डिंग एज क्या था भाई, मेरी समझ से हमको याद आ रहा है, वन बाई एच ग्रेटर देन, पहले लिखा था ना वन बाई एच ग्रेटर देन, वन बाई एच ग्रेटर देन वन बाई आर प्लस वन बाई कैपिटल आर, और वन बाई एच लेस देन वन बाई आर प्लस वन बाई कैपिटल आर, यही लिखा था पहले, पहले यही लिखा था, ये स्टेबिलिटी का कंडीशन है, ये अनस्टेबिलिटी का है, और अनस्टेबिलिटी का एक कंडीशन ये भी आया तो यहाँ पे इक्वालिटी लगा था, दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करिए, अगले वीडियो में हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे इस थ्योरम पे आधारित, थैंक यू वेरी मच।